संख्याओं और अक्षरों से बने पैटर्न, नंबर एंड अल्फाबेट पैटर्न्स। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे जो संख्याओं और अक्षरों से मिलकर बनते हैं, और हम अपने नियम बनाकर पैटर्न बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना सीखेंगे। चलिए चलकर देखते हैं कि ये चारों दोस्त क्या कर रहे हैं। अरे, तुम सबने देखा, हमारी परीक्षा की सूची आ गई है। हाँ, अब फिर से रातों को जागकर पढ़ना पड़ेगा। मेरी सीट कक्षा लैब 1 में है। मेरी भी उसी कक्षा में है। मेरा लेक्चर रूम 2 में है। और मेरी लेक्चर रूम 3 में। वाह, फिर से नंबर और अल्फाबेट्स एक साथ। तुम्हें याद है जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे कक्षा के नाम कैसे दिए गए थे? हाँ हाँ, 1A, 1B, 1C और 1D। फिर 2A, 2B, 2C, 2D। हाँ, 12वीं तक सभी कक्षाओं के ऐसे ही नंबर और अल्फाबेट्स के साथ नाम थे। यह कितना सुंदर एक पैटर्न बन जाता है। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या तुमने कभी ऐसे नंबर और कहीं देखे हैं? बच्चों, आप भी वीडियो को रोककर ऐसे पैटर्न सोच सकते हैं। बस की सीटों पर, सिनेमा हॉल की सीटों के नंबर। बहुत खूब। आज मैं तुम्हें एक पैटर्न देती हूँ, देखो तो तुम इसको आगे बढ़ा सकते हो या नहीं। पहले हम इस पैटर्न का नियम ढूंढते हैं। बच्चों, आप भी वीडियो को रोककर इस पैटर्न का नियम सोच सकते हो। पहले है नंबर 1, फिर अल्फाबेट A को एक बार लिखा है। उसके बाद नंबर 2, फिर अल्फाबेट B को 2 बार लिखा। इसका नियम हुआ अल्फाबेट्स को संख्या के मुताबिक उतनी बार लिखना। एकदम सही कावदी। तो इस नियम के अनुसार पहले रिक्त स्थान में हम सी को 3 बार लिखेंगे। सही। फिर आएगा नंबर 4 और हम D को 4 बार लिखेंगे। सही उत्तर। यह तुमने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। धन्यवाद। अगर मैं अल्फाबेट को इस क्रम में लगाऊं, 1 को 2, B को 1, C को 4, D को 3 इत्यादि, तो लेट अस गो होम को नंबर कोड में कैसे लिखेंगे? पहले हम तुम्हारे दिए गए क्रम को पूरा करते हैं। इसके लिए आगे E के लिए 6 और F के लिए 5 नंबर कोड होगा। ऐसे ही G के लिए 8 और H के लिए 7, I के लिए 10 और J के लिए 9 नंबर लिखेंगे। यहाँ हम अल्फाबेट्स को सीधा उनके नंबर कोड में ना लिखकर अल्फाबेट्स के जोड़े बनाकर उनके नंबर कोड को बदलकर लिखेंगे। जैसे A के लिए 1 होना चाहिए और B के लिए 2, लेकिन A और B के जोड़े बनाकर हमने उनके कोड को बदल दिया, तो A के लिए हो गया 2 और B के लिए हो गया 1। इसी तरह C और D के कोड को भी बदलकर लिखा गया है, और इसी क्रम में हम सभी अल्फाबेट्स को नंबर कोड में लिखेंगे। हाँ, ये है भोलू का क्रम। लेट होगा 11, 6 और 20। अस होगा 22, 20। गो होगा 8, 16। होब होगा 7, 16, 14, 6। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में सीखा जो संख्याओं और अक्षरों दोनों से मिलकर बनते हैं, और हमने अपने नियम बनाकर पैटर्न बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना सीखा।